नमस्कार मैं भुवन चंद्र नडियाल आपल आरम्भ कर नडियाल ब्लग विभिन्न धरण धन सोन ऐश्वर्य विभूति मानुर जीवन संचय बारो सकोरे जीवन सकोरे घर ये बस्तुखि भड़ाल धान आ बकसत गड़देश पेड़ धन सोन ऐश्वर्य विभूति उभय नदी हो भरी आस कि बस्तुवी ये धन सोन ऐश्वर्य विभूति चूर डकैतर रक्षा बहुत कष्ट न बहुत कष्ट है आम खा समय क्या समय आम चिंता मगन हो जाते आम बस्तुखि सोन रूपख भड़ाल धानखि पुखी माशि बड़ी तमोल पानखि कूर निकी कई एने आशंका आम मन सदा थके तक लदा आम चिंतित थको है बार कि इमान चिंतित मदतो इमान कठोर दृष्टि मदतो इमान सवधानतार मदतो आम बस्तुवीक चोर बा डकैते राति भरते मानु नथका सूझ लस्तक लुस जाए सीट कि बहुत दुखदायक न जैसे घर चूर है डकैत है आम गोटा थोड़ा कष्ट गोटा थोड़ा बस्तुवी चूर डकैते लो गुस जाए ये सह्य कर बड़ कष्ट हो जाए कथाखिनिके कथाखिनिके मैं कबले गई आसो जे एने सम्पत्ति क्षति हो जाए आम जीवन जीवन गोटाओ जीवन सम्पत्ति गोटा रखो सभी आम क्षति हो जाए नष्ट हो जाए कई गुस जाए जार लोभ मरी आम गोटा रखो मूक लगे मोक ये लगे जी हम नुजुरे ना बार गोटेखि गोटा रखो कि आम मृत्युर समय सकोबिल एरी थे जा लगे समस्त बस्तु एरी थे आम संसार गुस जा लगे है बार गति केने बस्तु आने एविध धन आसे कैसे गीता शास्त्र से शास्त्र कैसे एने एविध धन आसे जी धन के क्षय नाओ नष्ट न आरो मृत्युर पाशतो लगते ही थके कैसे सभीध धन कि जाना धनविधे सन कृष्णर नाम धन कृष्ण नाम धन जीजने कृष्ण नाम धन संचय धन बोले लगते जन्म तो पर जन्म तो कृष्ण नाम धन कृष्ण नाम ये धन गोटाले कृष्णर गुणानुकीर्तन करिले भगवंतर गुणानुकीर्तन करिले ये धन अर्जन करिबो पारि गतिके नाम लब लागिबो भगवंतर गुणानुकीर्तन करिबो लागिबो तेतिया ये धन संचय करिबो पारिबो ये धन संचय हले आपनार क्षति नहय सेकारणे कैसे शास्त्रय जदि कृष्ण नाम धन कारोबाक दिया हय आरु दुगुण बेसिक बोले बृद्धि है कि आपुनि गोटा थोड़ा धनखिनि जदि काबाक दिबलगिया हय तेतिया आपनार कमी जाब नय ना बारु किन्तु कृष्ण नाम धन जदि कारोबाक दिया हय तेने हले आरु दुगुण बाहे माने कथाटो होइसे ईश्वरर भक्ति करिले जी धन संचय हम सैया जी पुण्य भाग संचय हम सैया के क्षय नये शास्त्र एफाकी कथा कैसे एफाकी उपदेश कैसे शुनी हृदय हेरो
ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে যত বস্তু আছে তোক নুজুরাই আকতে যে কৃষ্ণ নাম অক্ষ অমিত পিয়া সন্তোষ লভিয়া হৃদয় অর্থাৎ সকল ভোগ্য বস্তু আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে কৃষ্ণ নামর অমিত প্রাণ করা বলে কৈছে। কৃষ্ণ নামর বাহিরে এই জগতত এই সংসারত সকলো অনিত্য বিনাশী ধন ঐশ্বর্য বিভূতি সংগ্রহ করা সঞ্চয় করা সংগ্রহ করে চুর ডকাইতৰ পৰা রক্ষা করা বৰ কষ্টদায়ক বুলি কৈছে। তাতোতকৈ ইয়াক হেরুয়া অতি দুঃখদায়ক বুলি কৈছে এই মই আগত কৈ যোৱা লাইনখাৰিয়ে উপদেশ থাকিয়ে তেনেকৈ কৈছে। গতিকে কৃষ্ণ নামৰ ধন পৰম ধন বুলি কৈছে, কেতিয়াও ক্ষতি নহয়, ই অবিনাশী বুলি কৈছে। গতিকে সকলোৱে হেন জানি কৃষ্ণ নাম জপ করা, কৃষ্ণ নাম লওয়া, কৃষ্ণর গুণানুকীর্তন করা, তারপরা যি তোমার পুণ্যভাগ পাবা, যি ধন পাবা, পুণ্যর ধনভাগ পাবা, ধনের ভাগ পাবা, সেয়া কেতিয়াও তোমার ক্ষতি নহয়। গতিকে মোর এই ভিডিওটি যদি আপনার ভাল লাগিছে তেনেহলে সাবস্ক্রাইব এটা করে দিব, লাইক এটা করে দিব, আর কমেন্টত কৃষ্ণ বলে লিখি মূলে এটা কমেন্ট করক। ধন্যবাদ। জয় জগৎগুরু শ্রীমন্ত শঙ্কর বলে কই আজি মোর ভিডিওটি ইয়াতে সমাপ্ত করলো।